हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे Realme 9 Pro 5G के गेमिंग मोड के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले इस फोन में आपको मिलता है Realme UI वर्जन 3। सो आपको इस फोन में क्या न्यू गेमिंग मोड मिलता है और कौन से आपको न्यू गेमिंग फीचर्स मिलते हैं, सभी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बता दूंगा। बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है, तो चलिए जल्द से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो गेमिंग मोड है, गेम्स का आपको डेडिकेटेड एप्लीकेशन मिलता है Realme 9 Pro 5G में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस गेम के एप्लीकेशन को आप ओपन कर लीजिए। जैसे ही आप ओपन करोगे, यहाँ पे देख सकते हैं गेम एडेड है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया, और ऊपर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नोटिफिकेशन का, सेकंड है फोटोज एंड वीडियोस। जब आप गेम खेलते हो, स्क्रीनशॉट या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करोगे तो यहाँ पे ये शो करेगा। एंड आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। फर्स्ट है गेमिंग डेटा, जहाँ पे शो करेगा कि आप कौन सी गेम कितने टाइम तक खेले हो, ड्यूरेशन यहाँ पे शो करेगा। फिर आता है ऐड गेम्स का ऑप्शन। अगर आपको गेम्स को ऐड करना है इस गेम मोड में, तो जस्ट आप ऐड गेम्स पे क्लिक कर लीजिए। जो भी गेम आपको इसमें ऐड करनी है, आप यहाँ पे सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। एंड उसके बाद में जो लास्ट वाला ऑप्शन है सेटिंग्स का, इस पर आप क्लिक कर लीजिए, जहाँ पे आपको सारे गेम की सेटिंग्स दिखाई देंगे। फर्स्ट वाला ऑप्शन है गेम टूल किट, सेकेंड है मूव गेम आइकॉन्स टू गेम्स, एंड थर्ड है ऑटो प्ले वीडियोज। डू नॉट डिस्टर्ब में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, आंसर कॉल ऑन स्पीकर, सेकेंड है नोटिफिकेशन स्टाइल, थर्ड है ब्राइटनेस लॉक। जितने भी ये सारे सेटिंग्स के ऑप्शन हैं, ये आपको आपके हिसाब से कस्टमाइज़ करना होगा। जो भी आपको यूज़ करना है, आप ऐसे इनेबल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे डिसेबल भी कर सकते हैं। परफॉर्मेंस मोड में आपको यहाँ पे स्मार्ट नेटवर्क स्विचिंग का ऑप्शन है, अदर में आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली एडजस्ट रेजोल्यूशन का भी ऑप्शन है, जो बहुत ही अच्छा है। आपके हिसाब से आप इसे इनेबल और डिसेबल कर दीजिए। लास्ट वाला ऑप्शन है गेम फोकस मोड का, जो आपको ये गेम में यूज़ होगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो गेमिंग फीचर्स है Realme 9 Pro 5G में, वो आपको कौन से मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया गेम को ओपन कर लिया है। गेमिंग फीचर्स को यूज़ करने के लिए आपको जस्ट राइट साइड से स्लाइड करते हुए ओपन करना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं गेमिंग मोड ऑन हो चुका है। सभी फीचर्स मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आपको टाइमर का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे शो करेगा कि आप कितने टाइम से गेम खेल रहे हो। सेंटर में है टेम्परेचर, एंड उसके बाद में राइट साइड में है बैटरी परसेंटेज के, कितनी रिमेनिंग बैटरी बची हुई है यहाँ पे ये शो करेगा। फिर आपको यहाँ पे 3 एप्लीकेशंस मिलते हैं जो इस फोन में इंस्टॉल नहीं है। फर्स्ट है व्हाट्सअप, सेकेंड है मैसेंजर, थर्ड है डिस्कॉर्ड, जिसे आप गेम खेलते हुए यूज़ कर सकते हैं मल्टी विंडो की तरह। एंड यहाँ पे आप इसे चेंज भी कर सकते हैं एप्लीकेशंस को, वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। फिर आपको नीचे मिलता है परफॉर्मेंस मोड का ऑप्शन। जैसे मैं इस पर टैप करूंगा, आपको 3 मोड्स मिलते हैं। फर्स्ट है गेम मोड, सेकेंड है बैलेंस्ड मोड, एंड थर्ड है लो पावर मोड। अगर आप गेमिंग कर रहे हैं नॉर्मल, तो गेम मोड यूज़ कर सकते हैं। अगर बैटरी लो है तो लो पावर मोड, अगर आप हैवी गेम कर रहे हो तो बैलेंस मोड भी आप रख सकते हैं। फिर उसके बाद में है गेम फोकस मोड, अगर आपको इसे इनेबल करना है तो यहाँ पे सभी चीज़ें अप्लाई होगी, जिसमें ब्लॉक गेम टूलकिट है, नेविगेशन सेटिंग्स और ब्लॉक नोटिफिकेशन, ब्लॉक कॉल्स, ब्लॉक अलार्म, ये सभी चीज़ें अप्लाई होगी जब आप इसे ऑन करोगे। तो अगर आपको इसे अप्लाई करना है तो आप यहाँ से टर्न ऑन कर सकते हैं। और फिर आपको यहाँ पर राइट साइड में नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे नोटिफिकेशन स्टाइल आपको सेलेक्ट करना है, जिसमें आपको 3 ऑप्शन है, ब्लॉक, ब्लॉट नोटिफिकेशन या फिर हेड्सअप नोटिफिकेशन। और राइट साइड में भी आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। फर्स्ट आपको मिलेगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जस्ट आप टैप करके आपका गेम प्ले रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर है टच ऑप्टिमाइजेशन, जहाँ पे टच सेंसिटिविटी और स्वाइप सेंसिटिविटी भी सेट कर सकते हैं। नीचे मिसटच प्रिवेंशन में 3 ऑप्शन है, जो कि नोटिफिकेशन ड्रॉवर, मिसटच प्रिवेंशन, यहाँ से आप इनेबल और डिसेबल कर लीजिए। फिर नीचे आपको ब्लॉक स्क्रीनशॉट गेस्चर, और नीचे है ब्लॉक स्प्लिट स्क्रीन गेस्चर। और उसी के राइट साइड में सिस्टम स्टेटस का ऑप्शन है। नीचे आपको यहाँ पे वॉइस चेंजर मिलता है, ओरिएंटेशन लॉक है, आपको ओरिएंटेशन लॉक करना है तो जस्ट आप यहाँ पे टैप कर दीजिए, ओरिएंटेशन लॉक हो जाएगा। एंड लास्ट में आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिलता है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन हटा के आपके हिसाब से एप्लीकेशन रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली डिस्कॉर्ड को हटा कर यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी होगी, जस्ट आपको ऐसे सिंपली मैं यहाँ पे क्रोम को सिलेक्ट कर लेता हूं, तो ये क्रोम ऐड हो चुका है। ऐसे ही आप यहां पे कोई भी फंक्शन को हटाकर कोई भी ऐप्स को रख सकते हैं। तो ये फीचर बहुत ही अच्छा है, जो भी आपको बेटर लगता है आप इसे कस्टमाइज़ कर लीजिए। देन उसके बाद में यहां पे डन पे भी
क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आपने देखा, मैंने आपको Realme 9 Pro 5G के गेमिंग मोड के बारे में बताया है। न्यू लुक है और जो फीचर्स हैं ये भी काफ़ी अच्छे हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।